हे बाबू हे महादेव क्या बात है अरे बाप रे बाप हरे हरे महादेव बहुत जी प्रणाम करती है हाथों के बहुत अच्छे लग रहे हैं आप आज नीला नीला पहने हैं बहुत अच्छा लगता है बाबू देखिए क्या होता है कि आशीर लो चो ओ बाबू देखिए हम बस यही कहना चाहते हैं कोई कोई आदर्श के साथ खड़ा हो या ना हो लेकिन रवि किशन खड़ा यही कहना चाहते हैं बाबू आप लोग हमेशा खुश रहिए हंसते रहिए और माता रानी से हम यही प्रार्थना करेंगे बाबू कि आपको बुराई से गलतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करें बहुत अच्छा लगता है ये क्या है सेम कर रहे हैं जैसे करते हैं वो महादेव मुक्ति मिलेगी बाबू बहुत ही मुक्ति मिलेगी हम एक पिक्चर बना रहे हैं बाबू वो पिक्चर का नाम है खिला खिला के पिज्जा छत पे दबोचे जीजा बहुत अच्छा लगता है प्रणाम कर दिया तू लोग के ओह बाप रे बाप क्या झुमका पहनी है बाबू हर हर महादेव झुमका हिल रहा जैसे आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला जब पहन लू तो झुमका हर सारा झुमका ही ले ला एक और चाहेंगे जैसे अमरीश पुरी हैं परेश रावल साहब हैं शक्ति कपूर हैं इनमें से किसी का नाना पाटेकर भी है अच्छा आज मुझे बदनाम करो नीलाम करो हाँ लेकिन नीलामी के लिए है क्या तुम्हारे पास एक एक जलते हुए आंसू का एहसास कोई फर्क नहीं पड़ता बस मैं यही कहना चाहता हूँ एक ना एक दिन तुम मेरा हाथ चूमोगे जरूर है क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को जोड़ा बना देता है एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है साला एक मच्छर आदमी को जोड़ा बना देता है टोपी लगाए मच्छर कहता है देश के लोगों में क्षमता की भावना आ रही है इसलिए तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है क्या करे साला साला एक मच्छर आदमी को हीड़ा बना देता है अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा लग रहा है इनसे बात करके मन इंटरव्यू का खत्म नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है इनका कहना है मैम आपका नाम क्या रीति कृति कृति मणि ओ मणि साथ में लेके आई है आपका नाम तारा क्या बात है अच्छा तो अमरीश पुरी ना अरे अरे तू पागल है मजनू है जोकर है अरे दिल जले है तू हे बाबा ठाकुर पहचानता हूँ धुरे चिराए धूल पुराने पहले तुम्हें क्या फुर्सत में बनाया होगा भाग चौगा भाई भाग चौगा याद रखिए बीबर पाल मसाला दाले दाले भी केसर का स्वाद देख रहे हैं आप लोग कोलगेट पे बरस फ्री के साथ अजय देवगन फ्री हो गए अमरीश पुरी जी के साथ में तो एक बहुत हंसा दिए हैं भैया को भी काफी टाइम हम लोग ले रहे हैं इनका और एक सवाल लास्ट में करना चाहेंगे कि शादी वादी करेंगे काम को आप खुशी बर्दाश्त न हो रहा आप मतलब शादी करने से खुशी खत्म हो जाता है अभी हम खुश हैं भैया जमाना जब तो जो है ना अभी देखिए शादी वादी क्या है पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है माता पिता बहन है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले वो है मेरी और मेरा कर्तव्य मेरा धर्म भी वही है अभी कि सबसे पहले तो अपने पैरों पर खड़े होकर माता पिता को एक अच्छी जगह पे मतलब देखे जो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ अच्छे अच्छे स्कूलों पर उनका एडमिशन हो मेरी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जो छोटे छोटे एक्सपेक्टेशन है वो बहन की अच्छे घर पर शादी हो तो ये सब सारी चीज़ें उसके बाद फिर देखा जाएगा और वैसे भी क्या बोले हम सोशल मीडिया पे देखते हैं आपके कमेंट्स में बहुत सारी लड़कियों का कमेंट्स रहता है कोई आई लव यू आदर्श जी कोई हमसे शादी कर लीजिए इस पे आप रिप्लाई देते हैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ बहुत सारे मतलब आई लव यू का रिप्लाई क्या देते हैं थैंक यू मतलब टू टू वगैरह का टू टू बोलेंगे तो फिर विवादित हो जाएगा